गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको कहती है खुश आमदीद। और ये है हेल्थ सेगमेंट विद आज कुकिंग सेगमेंट वो इसलिए क्योंकि हुमा ने जिस तरह कहा, और हुमा क्या कहती हो, सही कह रही हो ना कि भाई वेजिटेबल बिरयानी में थोड़ा टाइम लगता है। तो आज हमने कहा सुबह से ही हमारे साथ हुमा ज्वाइन हो, तो ऑफ कोर्स ये हमारे साथ 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 इनकी भी शिफ्टिंग चलती रहेगी, आप लोग देखते रहिएगा कैमरे से। और हमारा हेल्थ सेगमेंट जो है रेलिवेंट टू स्किन एंड ब्यूटी दोनों काउंट करते हैं इसके अंदर, वो ये कि मैंने देखा अक्सर लोगों की स्किन जो है वो उम्र से पहले जो है रिंकल्स आ जाते हैं, शायद वो पानी का इंटेक करते कम है या टेंशन में रहते हैं लाइक, या कोई इंटरनल प्रॉब्लम होती है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। बड़े अफसोस होता है कि इतनी कम उम्र में भी लड़कियों की स्किन जो है वो फ्रेशनेस, देखिए मैं कॉम्प्लेक्शन के ऊपर बात नहीं करना चाह रही कि गोरा गोरा होना कोई इतना खास मार्का नहीं है, स्किन का हेल्दी होना बहुत जरूरी है, मैं ये समझती हूँ, और फ्रेश होना। तो आज हमारे दरमियान स्किन स्पेशलिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर बरकत, वो बताएंगे कि स्किन का हेल्दी होना कैसे पॉसिबल है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। क्या कहते हैं, मैंने सही कहा? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी तीनों बातें ठीक है कि फॉर द यंगर एंड हेल्दियर स्किन जो है, एक तो स्ट्रेस फ्री लाइफ, एक तो वो सबसे बड़ा सेगमेंट है, दूसरा ये है कि आप नेचुरल चीज़ें जो हैं ईटेबल जस्ट लाइक सीजनल फ्रूट्स हैं और सीजनल वेजिटेबल्स हैं, उनका यूज़ जो है जो सीज़न आता है जो जिसमें वो अवेलेबल होती हैं वो एक ब्लेसिंग है। अगर तो आप उस सीज़न में जस्ट लाइक अभी जैसे फ्रूट्स और ऑरेंजेस और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर इनको आप प्रॉपर यूज़ कर लेते हैं तो फॉर ईयर आपकी बॉडी में इतनी विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं कि रिमेनिंग ईयर आपको वो हेल्दी लुक देते रहते हैं। हमारे लिवर में कुदरत ने ऐसी साहित रखी है कि वो कुछ चीज़ों को सालों तक स्टोर कर लेता है। तो एक दफ़ा अगर आप वो बल्क में ले लेते हैं और सीज़न में जो उसका वो फुल एडवांटेज ले लेते हैं तो इट विल बी रिलीज स्लोली स्लोली और वो आपकी स्किन को वो यंग रखते जाए। अच्छा एक एक बात मैं बहुत अभी नाजिन से, एक तो मैं बहुत जनरली नेचुरली बात कर लेती हूँ, बात ये बताएं कि अक्सर मैं एक उस दिन पर्सन से बात करी तो मैंने कहा मुझे कुछ भी सब्जियों में कुछ भी खिला दो तो मैं वो ज़्यादा पसंद करती हूँ एज़ कम्पेयर टू मतलब ज़्यादा हैवी बिरयानी या हैवी कोरमा, लाइक मुझे वो ज़्यादा नहीं अट्रैक्ट करता। हाँ सर्दियों में से पाए वगैरह खा लिए तो बस बहुत है, लेकिन मुझे एज़ कम्पेयर टू कि बस एक टमाटर हो वो सेक के, या वो कहते हैं आप अपना, मैंने कहा शुरू से मेरी नेचर है, कह रहे तुम आप ना बहुत जल्दी बहुत सारी बीमारियों का शिकार नहीं होगे, ये उनके कॉम्प्लीमेंट्स थे, बल्कि सिंपल से बंदे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप, मैंने कहा मुझे ना ये ज़्यादा बाहर का खाना मैं इतनी खास मुझे पसंद नहीं है, लाइक नहीं करती मैं, एज कम्पेयर टू घर जाके एक रोटी गरम गरम बनाऊं और एक तोरी बना लूं, दो तीन भिंडी बना लूं या एक टमाटर गरम करके खा लूं रोटी से, वो ज़्यादा पसंद करती हूँ। जी जी डेफिनेटली, अब इसमें यही है कि जो आपकी नेचुरल चीज़ें हैं और जो होम मेड हैं, एक्चुअली मसला ये है कि जो हम जिस जोन में रहते हैं साउथ ईस्ट एशिया जिसमें इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश हम सब शामिल हैं जी, उसमें जो हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं वो आपको पता है कि रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के मुकाबले में ज्यादा स्पाइसी है। ये बहुत ना, हमारे पास जो इतना स्पाइसेस का यूज होता है, बाकी दुनिया में आप कहीं भी जाएं ये चीज आप इंडिया में भी बहुत यूज होता है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका ये जितने भी हमारी जो सब कॉन्टिनेंट का रीजन है, तो उसमें हमारे नेचुरल जो फूड का जो है कॉन्सेप्ट वो यही है कि जी बिरयानी वो भी स्पाइसी ऑयली और ये सारी चीज़ें, बाकी आप कहीं पे भी जाएंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो सबसे बड़ा इशू वो ये है कि हमारा ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड है जी, उसमें जो हम कहते हैं जी भून के हम खा रहे हैं और ज़्यादा एक्स्ट्रा उसको हीटिंग पे, उसमें जो स्टडीज़ हैं वो ये हैं कि मेजर बल्क ऑफ कैलोरीज जो है जी, वो हम फूड में से डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो आपको एक स्पाइसी चीज़ों का टेस्ट तो मिलता है लेकिन उनकी जो असल जो विटामिन की जो ताकत है, मोस्ट ऑफ द विटामिन दे आर अनस्टेबल ऑन हाई टेम्परेचर, तो वो वैसे डिस्टेबलाइज हो जाती हैं, मिनरल डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। तो आपको एक चीज़ ऐसी जो आपके बकोल या आपके नज़दीक एक टेस्टी तो है, आपकी जो डिज़ायर है टंग्स की वो तो टेस्ट बर्ड्स की वो तो फुलफिल करती है, लेकिन उसके जो न्यूट्रिएंट्स वो
उसी में ही खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बात करें अगर आप एक चीज ले रहे हैं जिसमें 100 कैलोरीज हम समझते हैं कि ये फूड हो, तो जब आप ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड से जब हम उसको ज्यादा देर पकाते हैं और करते हैं, तो आप उसमें से 20-30 कैलोरीज गेन करते हैं, 60-70 कैलोरीज वैसे ही वो उस कुकिंग मेथड में और मसालों में और ऑयल में वो वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक कह रहे हैं। तो ये जो चीज है आप जस्ट लाइक जैसे ये मैडम अभी बना रही हैं, दिस इज वेरी हेल्दी फूड, इस तरह की चीजें जिसमें जो वेजिटेबल्स हैं या ये जो चीजें हैं वो कम्प्लीटली कुक्ड ना हो या प्रोलॉन्ग हीटिंग पे ना जाए, ऐसे फॉर्म में हो जिसमें उसकी कैलोरीज प्रिजर्व रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसमें आपका एक तो ये जो हमारा जो ट्रेडिशनल देगची का मेथड है उसमें जब हम कुकिंग करते हैं तो उसमें बल्क ऑफ कैलोरीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। कंपैरेटिवली वो पार्ट्स वगैरह जो आजकल अवेलेबल हैं जिसमें थोड़े टाइम में और बड़ी अच्छी जो चीज़ें हैं वो रेडी हो जाती हैं, तो उसमें ये फायदा होता है कि कैलोरीज असल जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की रिक्वायरमेंट टेस्ट तो नहीं है ना, जस्ट सेटिस्फाई योर टेस्ट बट ऐसे बड़ा अच्छा शहर है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट टेस्ट थोड़ी है। और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि आप की बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अब आपने टेस्ट के चक्कर में उसकी जो कैलोरीज का बल्क था वो तो आपने तबाह कर दिया। और यूं यूं करके खा कितना मजे का, कितना मजे का, मजे का। तो यही सिलसिला है कितना मजे का। तो बाकी ये है कि बाकी बच्चों को भी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है जिसमें जंक फूड, फास्ट फूड, स्पाइसी, ऑयली फ्राई, घर में भी यही चीजें बनती हैं बाहर, वो एक्चुअली जो इम्यून पावर है उसको डेवलप करने में काफी प्रॉब्लमेटिक है, जिसकी वजह से अभी आप देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं कि इस मौसम में वेदर में जैसे फ्लू के केसेस चल रहे हैं। अच्छा, जो भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसमें मेडिसिन का कोई रोल इतना नहीं होता, इंक्लूडिंग अभी आजकल जो कोविड और ये सारी चीजें चल रही हैं, जितना उसमें आपके अपने इम्यून पावर का होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा जी, देन वो फेस कर सकता है बीमारी को, और जिसका इम्यून सिस्टम बहुत लाइट होगा तो उसको तो जरा सा वायरल हुआ नहीं कि उसको छींके लग गई और ये वो, बिल्कुल, और वो उसको बिल्कुल डाले। अच्छा, दो अभी आप देख रहे हैं काफी लोग ऐसे हैं, ये नहीं कहते कि जस्ट लाइक डायबिटिक्स हैं या हाइपरटेंशन हैं, उनमें कुदरती तौर पे भी इम्यून सिस्टम लो हो जाता है। तो हमारे यहाँ एक जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो अर्ली एजिंग पे अगर हम बात करें तो उसमें एक तो एसोसिएटेड डिजीजेस जो इनसाइड हैं, जैसे उसमें डायबिटीज मेन है, ये तो वो लोग ज़रा इन चीज़ों को अवॉइड करें जिसमें प्योर ग्लूकोज हो, मिठाई है ये। अच्छा, ट्रेडिशनली हमारे यहाँ इन चीज़ों का अब यूज़ बहुत ज़्यादा है, मिठाई की दुकानें सजी हुई होती हैं, हर चीज इस तरह से, तो उन चीज़ों को अवॉइड करें। ऐसी हेल्दी फूड्स और फ्रूट्स उन पे ज़्यादा आप फोकस करें बजाय कि आप जो है ट्रेडिशनल चीज़ें लेने के जिसमें आपके कैलोरीज का बल्क जो है वो बर्न हो जाता है। अच्छा जी, हम लोग डॉक्टर साहब माशाल्लाह न्यूट्रिशन वाली उसकी भी बात करें साथ साथ।